तो भाई लोग क्या हाल है। और स्वागत है आप सभी का एक और तबाही गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मतलब पूरी तबाही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं डू वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और आपने देख लिया होगा यार, यहाँ पे उतरते मेरे साथ एक स्क्वाड आती है और एक स्क्वाड यहाँ पे दो स्क्वाड आ जाएगी। तो बस उतरते यहाँ पे गन मिल जाती है और बस गन मिलते देखना हम दोनों क्या ही बजाते हैं इन बंदों को। तो जल्दी से मैं कारें मिलती है, कारें उठाता हूँ और इतने पीछे बंदे आ जाते हैं मेरे। अब इसको तो नॉक करके पूरा फिनिश मारता हूँ और इतने में मेरा टीममेट भी एक दो बंदे को नॉक कर देता है। अब सामने की तरफ जाता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है लेकिन उसने में एक से दूसरा बंदा आता है तो मैं जल्दी से पीछे आता हूँ। मुझे पता था बंदा इस दरवाजे से आएगा तो जल्दी से इसको भी नॉक करके सीधा फिनिश मारता है। इस बंदे से मुझे शॉटगन मिल जाती है तो जल्दी से इसकी शॉटगन उठाता हूँ। और पीछे अभी मेरा टीममेट यार बंदों को निपटा रहा था तो मैं जाता हूँ चेक करने के लिए और इतने भाई मेरा टीममेट यहाँ पे पूरे बंदे खा चुका था। तो यहाँ पे मेरा काम रह गया था जो कि बचे हुए बंदे थे उनको फिनिश वगैरह करना। अब देखो यहाँ पे मेरे दो बंदे मेरे को किल मिल गए थे और मेरे टीममेट को यहाँ पे दो तीन किल मिल गए थे, मतलब यहाँ पे यार दो स्क्वाड थी। अब मेरा टीममेट उस साइड भी थोड़े बहुत बंदे मार रहा था। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे टीममेट नॉक करके छोड़ता तो हमें ऊपर से फुटप्रिंट्स आते हैं और मुझे लगता है यार बंदा ऊपर ही है और बंदा ऊपर ही होता है। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि प्लेन में सबसे ऊपर मतलब डब्ल्यू पी में इसी का नाम था, तो भाई तभी कहते हैं भाई हर भाई प्रो नहीं होता, हर डब्ल्यू पी वाला प्रो नहीं होता। तो जल्दी से इसको हम निपटाते हैं। अब देखो इतने में मेरे को सामने से मेरा टीममेट बोलता है कि सामने वाले घर में बंदा है तो मैं यहाँ पे नेट होता है और मैं नेट खींचता हूँ। अब ये बंदा स्पॉट होता है, मुझे लगता है यहाँ से ये इस वाले घर में आएगा लेकिन यहाँ से नीचे कूद जाता है। अब जैसे इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज है तो ये बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है और बस यार बंदा बहुत ज़्यादा भगाता है, हमें बस देखते रहना लेकिन इस बंदे को पकड़ गया किल करेंगे। तो मैं अपने स्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बंदा सामने दिखता है मुझे शेक में जाता हुआ, तो अपने टीममेट को कॉल देता हूँ भाई आजा मेरे को कवर दे, मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ। और इतने में मेरा टीममेट बोलता है भाई ये तो बंदा भाई पानी में कूद चुका और आपको दिख गया हुआ पानी में जाता हुआ। अब तो यहाँ से मैं सोचता हूँ यार ये बंदा ऊपर तो पक्का आया क्योंकि यार पानी में तो रहेगा नहीं, अगर पानी में रहेगा तो ये मारा जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इस बंदे को और मुझे इतना तो पता था बंदा निकलेगा। अभी सामने की तरफ निकलता तो मैं थोड़ी बहुत फायरिंग देता हूँ और इतना मेरा टीममेट थोड़ी बहुत मतलब उसको डैमेज दे देगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और टीममेट को बोलता हूँ कि अब मैं पानी में से जाता हूँ और तू मेरे को कवर दियो, अब इस बंदे का ध्यान पूरा मेरे पे जाएगा और तू इसको मैंने निपटा दियो। अब खुदता भी कुछ ऐसी है, अब यहाँ पे हमारा प्लान काम कर जाता है और ये बंदा मतलब फायरिंग करता है लेकिन यार मेरा टीममेट वहाँ से निपटा देता है इसको। तो यहाँ से जल्दी वक्त मैं इसकी एमओ वगैरह लूटता हूँ और जाता हूँ गाड़ी लेने के लिए और इतने में ये बंदा देखते हैं। लेकिन ये तो होता है एक बॉट। अब मेरे टीममेट के किल मेरे से ज़्यादा थे लेकिन यार तुम गैस करना कि हाँ एंड में जाके किसके किल ज़्यादा होंगे, मेरे या मेरे टीममेट के, तो ये बस ये तो लास्ट में पता चलेगा। तो फिलहाल इस बॉट को भी ख़त्म करते हैं। अब होता है यहाँ पे क्या है कि हम आते हैं अपनी बग्गी लेके सामने मतलब ये स्टेडियम की तरफ। अब स्टेडियम की तरफ हम आगे जा रहे थे लेकिन इतने में मेरे को भाई दो बंदे दिखते हैं, शायद आपको भी देखेंगे ऊपर। अब यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ और मेरे टीममेट बोलता है यार मेरी एयरफोन्स निकल गए तो अपने एयरफोन्स लगा रहा हूँ और इतने में मैं बंदे को सपोर्ट करता हूँ। अब इस बंदे का नाम याद रखना तुम, अजय कुछ नाम है इसका। तो मैं इस बंदे को मैंने जैसे नॉक कर मैं सीधा जाता हूँ आगे पुश करने के लिए और इतने मेरे टीममेट बोलता है हाँ चल भाई मैं आ रहा तेरे पीछे, मैं जल्दी से अंदर घुसता हूँ। अब देखो मुझे पता था यहाँ पे एक बंदा रिवाइव तो पक्का हो जाएगा कि यार इतना टाइम तो लग गया था हमें आते आते और ये बंदे सबसे ऊपर थे तो इसलिए रिवाइव वगैरह कर देंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर टीपीपी वगैरह लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर बंदे ऊपर होंगे और मैं सामने जाऊँगा बंदे निपटा देंगे, लेकिन यहाँ पे यार कुछ और ही होता है। बस देखो तुम और ये बंदा पीछे साइड से आता है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही यार इस बंदे के थोड़े बहुत फुटप्रिंट्स आते हैं हम समझ जाते हैं बंदा इधर ही है। अब बाहर थे इसके दूसरे टीममेट की जिसको मैंने पहले नॉक किया था और ये आता भी है। और सच बताऊँ तो यार मैं इस बंदे को देख कर बहुत ज़्यादा डर गया था। अब देखो हम यहाँ पे बहुत ढूंढते हैं दूसरे टीममेट को लेकिन दिखता नहीं है। अब मैं आता हूँ ऊपर चेक करने के लिए और सामने मुझे बंदा दिखता है। अब इसकी आउटफिट देख के मैं समझ गया था ये वही बंदा है और आपने नाम पढ़ लिया होगा और नाम अगर पढ़ा नहीं तो पीछे जाके स्किप करके आप पीछे देख सकते हो किस बंदे का ही नाम होता है। अब हमें पता नहीं था यार ये कब और कैसे निकल गया वहाँ से। अब उसके बाद हम बग्गी उठाते हैं और आते हैं इस साइड और आपने एक डांसे देख लो कि ऊपर पहाड़ पर खड़ी हुई, लेकिन मैं पहले इस घर पर देखता हूँ कि घर पर कोई बंदा नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता। तो मैं जाता हूँ सीधा ऊपर की तरफ और वहाँ पर जितना यार टोटल तीन बंदे रहते हैं लेकिन उनका चौथा टीममेट भी आ जाएगा और बस देखना है तुम्हारा भाई क्या ही निपटाएगा उस स्क्वाड को। अब देखो यहाँ मैं ऊपर जा ही रहता है और सामने ड्रॉप हुआ होता है तो मैं टीममेट को बोलता हूँ यार सामने ड्रॉप लूटेंगे वो पक्का। अब जैसे मेरी यहाँ पे गाड़ी ठुकती है मेरे टीममेट बोलता है यार बंदे हैं ऊपर और बंदे मुझे आप स्पॉट हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ अपने टीममेट के यार मैं देख ऊपर जाता हूँ और तू मुझे कवर दे और जो होगा देखा जाएगा। और देखो मेरा यहाँ पे टीममेट नीचे था और मैं ऊपर था और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मैं ही मारा जा सकता था। अब यहाँ जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब सामने आपको कुछ बंदे देखेंगे और देखना इसे पीछे रहियो मैं ऊपर नहीं हूँ।
पीछे पीछे रह रह के मार रही हूं तेरे। तीन बंदे है ना वो। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन यार पीछे से मैं टीममेट से निपटा देता है, क्योंकि यार बंदा बार बार गाड़ी से इधर कर जाता है। अब बात थी लास्ट टीममेट की, और जो कि बगी से आता है और जिसको मैं टीममेट निपटा देता है। अब जल्दी से यहाँ पे हमें लूट वगैरह करते हैं। अब देख यहाँ पे यार, अगर ये क्लच बढ़िया लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था, मैं AWM वगैरह मिल जाती है। अब इतने में टीममेट बोलता भाई एक और स्क्वाड आया सामने की तरफ से। अब मैं देखता हूँ और ये बंदे दिखते अब यहाँ पे हम एक एक करके दो बंदे नॉक कर चुके थे। अब इतने मेरे टीममेट तीसरे बंदे को भी नॉक कर देता। अब बारी थी मेरी जो कि लास्ट टीममेट को मारने की। अब ये बंदा मैं जाता हूँ सामने की तरफ और जल्दी से सप्रेसर हटाता हूँ, कि सप्रेसर बकवास लगते हैं। अब ये बंदा रिवाइव देने के प्लान में होता है। और कर देते इस स्क्वाड को भी फिनिश। अब अगर ये स्क्वाड भी क्लच मस्त लगा तो यार भाई प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी तबाही गेमप्ले वीडियो लाता रहता है। अब देखो यहाँ से जल्दी वैसे हम लूट वगैरह करते हैं। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ यहाँ पे यार एक डील करते हैं। अब जो लास्ट बंदा होगा उसको मैं AWM से मारूंगा। अगर मैं नहीं मार पाया तो भाई तू उसको मार दिया, अगर मुझे नॉक कर देता है वो। लेकिन जब तक मैं उसको मारूंगा तू फायरिंग नहीं करेगा उस पर। अब मैं टीममेट बोलता ठीक है भाई, जब तक मैं मतलब तू उसको मार नहीं देता मैं उस पर फायरिंग नहीं करूँगा। अगर मैं टीममेट के ऊपर बंदा स्पॉट होता है और मुझे भी हल्की सी झलक दिखी है उसकी, आपको भी शायद दिखी होगी। अब मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ और ये बंदा स्पॉट होता है मुझे। अब देखो आपने गेस करना कि मैं इस बंदे को AWM से मार पाऊंगा कि नहीं। अब देखो ये सामने की तरफ भाग जाते हैं। अगर इस बंदे को अगर AWM से मार दिया तो भाई आपको पक्का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर यार देखो मैं नीचे कूद जाता हूँ, अब मुझे लगता है मेरी पेटी बन जाएगी। लेकिन ये तो एक बॉट निकलता है जिसको हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं एक हेडशॉट देके AWM का। तो जैसे हमारी डील होती है आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारा भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना भाई।